दिखाई दे रहे पिछली बार हो गई थी, पिछली बार ऐसे लगी, फिर वो 14 आदमी अब केस है। ऐप अभी रात नगर बिजली ना कटवाई, रात में बिजली ना कटवाई तो जी ऐप अभी आ गया है। उन्होंने साथ साथ 17 जड़ क्या, एक नहीं 17 जड़ और गेनू का तो काम चला दिया, काम चला दिया, गेनू का जैसे बंद आग लगा दी, काम आग लगा दी। ओ भाई नेता जी रोड पे खड़े ऐसी तो भी समाधान निकलेगा, उठी में भी निकलेगा, मत बताओ वो चाहे पानी फेर पहते हैं अपने ही पहती मेरे घर, लेकिन वही बात समाधान खातर निकल बैठे हैं, समाधान उड़े खड़े के निकल एक आप एक मिनट, एक दो वो लग चुके हैं इधर, ये छज्जे के साथ टकरा गया है और ये हालांकि रास्ता इधर है भी नहीं, रास्ता तो मेन तो उधर है, लेकिन शायद किसी को साइड देने के चक्कर में इन्होंने ऐसा कर दिया। और गांव कुरावता से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी गांव के लोग हैं, लेकिन साथ में तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब भी यहां पर मौजूद हैं। ये सर यहां से रात को ये लगी है गाड़ी, एक इधर देखना सर, एक मिनट भाई लाइट ऑन करो, देखो सर ये अभी का है, आप ऊपर मैं जलाता हूँ। तहसीलदार साहब को अगर इसको ना रोका जाए तो ये सर गिर जाएगा, और मैं छोड़ के भागा जी, छोड़ कौन भागा जी, तीन दो घंटा एक गांव की सप्लाई बाधित करवा रहा है खेण के चक्कर में, अभी तक लाइट भी नहीं आई होगी जी, दो घंटे ज्यादा टाइम हो गया लाइट बाधित हुए। एक मिनट खंबा और दिखाते, एक खंबा टेढ़ा और खा जाओ थोड़ा ऑटो बैटर, मैं आपको आप खुद कहेंगे कि भाई ये मतलब गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर आपके प्रॉब्लम हो ना पर्सनल सर, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सुबह मेरे पास फोन गया था कि ऐसे ऐसे एक ट्रैक्टर जो 160 क्विंटल वजन का और एक घर और बिजली के खंभे को तोड़ के और अंदर घुस गया रात को 3 बजे, गांव के जो घर है उसने अपने भाग करके जान बचाई है, और उस घर के जहाँ लगा है वो गाटर के पास से वो सारी त्रेड़े शुरू हो गई है। तो जब मेरे को पता चला तो मैं सीधा आया, आ करके देखा तो यहाँ से 17 ट्रैक्टर पीछे तक महेंद्रगढ़ तक लाइन लगी हुई है और सभी ओवरलोडेड हैं, 160 क्विंटल प्लस वजन है सब में। एक मोटरसाइकिल का जब हेलमेट नहीं होता है या एक ट्रैक्टर का, हमारे पास खेत का घर का कहीं से रेत ला करके घर से काम करते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें सीधा चालान कर देते हैं, ये उसमें 2 क्विंटल वजन भी नहीं रहता, लेकिन अब इसमें 160 क्विंटल है और सुबह से प्रशासन पुलिस सबको बता दिया गया, तहसीलदार साहब है, एसएचओ साहब है और दान सिंह भी आए करना, अपनी जो गोली देनी थी गोली देकर गए उसे, अग भाई तड़का जाएगो ई बज जाएगो, रात ने 3 बजे आदमी मरे तो एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि जी मेरे ट्रैक्टर से ठोंगो लग गया था और मैं बहुत बड़ी मुश्किल से बचो था, मेरी भी दर्द है। तो कहने का ये मतलब है ये समस्या पीछे भी गांव के जो थोड़ी सी खंभा गिर के और बिजली से आग लगी थी वहां पर गांव वालों के सरपंच के और 13 आदमियों के नामजद एफआईआर कट रखी है कि इन्होंने जलाया है। आज ये साक्षात आपके सामने, आप इसको भी दिखाना साथ में मेरे इसके बाद, कि उसको अगर रात को 3 बजे खंभा इसके पास गिर जाता तो मेरे ख्याल से घर आड़ा कर आस पड़ोस आड़ा कर तो सारा के नाम डाल देता है गंड जलाए उसे भाई। तो ये तो एक तो केस वापस किए जाएं, एसएचओ साहब से, तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से बात हुई है और इन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जमानत कच्ची हुई है और ये पुलिस प्रशासन के पास एक प्रावधान होता है कि आप अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो उसको सही करना उनका दायित्व भी बनता है, और गांव के सरपंच को ही आपने जब एफआईआर के नाम से डाला है तो गांव का विकास कहां से हो पाएगा। दूसरी चीज़ ये जो घर जिसका टूटा है
इसको कंपनी के माध्यम से मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरी चीज जो हमारे पोल बिजली के समस्या बाधित हो रखी है, इसका होना चाहिए। बीडीओ साहब जो मैडम है उसके पास पिछले 2 महीने से गांव का प्रस्ताव पड़ा है कि हम इस प्रस्ताव को आगे एक बैरिकेटिंग गांव में घुसने से पहले नीले कलर का अपन लगाते हैं, तो वो मेजरमेंट के आधार पर और गांव पंचायत ये कह रही कि हम अपने हिसाब से उसको कर लेंगे, लेकिन उन्होंने वो प्रस्ताव ही पास करके नहीं किया है। आज जब तहसीलदार साहब को मैंने कहा कि ये प्रस्ताव क्यों नहीं पास किया, तो तहसीलदार साहब ने खुद कहा है कि जी प्रस्ताव हम पास कर देंगे, पास है और कल मोहर लग के आ जाएगी, आप इसको बना लो। SHO साहब ने भी कहा है RTO के माध्यम से जो आपका मेजरमेंट बनता है उसके माध्यम से आप इसको बना लो, और ये हम कल लास्ट शाम तक इसकी कार्रवाई पोल गड़ना शुरू हो जाएगा। ये अभी सारे के सारे मेरी रिक्वेस्ट है गांव वालों से, जो ये जो तूड़ी भरी इसमें जो भी फूसा भरा हुआ है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको गौशाला में भेजा जाए ताकि वो काट के मिला के अपना गायों के लिए अपना धर्म का काम हो जाए। इन ट्रैक्टरों को जहाँ हमारा रेत का ट्रैक्टर कड़बी का ट्रैक्टर को उठा करके ले जाके ये जमा कर देते हैं, उनकी बराबर में ये ट्रैक्टर जाने चाहिए, प्लस में इन पे इंपाउंड होने चाहिए, प्लस में इनके ऊपर लाखों रुपए का वो जो चालान होता है वो कटना चाहिए, अन्यथा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ना ही ट्रैक्टर जाएंगे। उसके बाद चाहे आग लगाने की केस लगाओ, जाम लगाने का केस लगाओ, चाहे कोई कुछ भी करे। बहुत बहुत